नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। कस्बे के उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी रामोतार कुमावत ने बुधवार को समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली, जिसमें विभागीय अनुसार पानी, बिजली, सड़क सहित विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं के निराकरण की जानकारी मांगी गई। उसके बाद विभागीय अधिकारियों ने जानकारी उपलब्ध करवाई। उपखंड अधिकारी रामोतार कुमावत ने समय पर समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश भी दिए। इसमें CBO दयाचंद बंशल, PWD एक्शन रामानंद, PSD एक्शन धर्मवीर, नगरपालिका EO मनीषा यादव, PSD EN रामकिशोर यादव, आबकारी निरीक्षक जितेंद्र वर्मा, विकास अधिकारी देवेंद्र यादव, ब्लॉक CMHO पूरण मीणा, पशुपालन विभाग के डॉक्टर अनिल गुप्ता, विद्युत विभाग JEN धर्मपाल सिंह, थाना अधिकारी वीरेंद्र यादव उपस्थित रहे। कस्बे में नगरपालिका विभाग ने फल सब्जी की रेहड़ियों में दुकानों में रखी प्लास्टिक की पॉलिथीन को जब्त कर चालान किए गए, क्योंकि पॉलिथीन पर सरकार की पाबंदी के बाद भी प्रयोग में ली जा रही थी। इस दौरान नगरपालिका के 2 टेम्पू साथ में रहे, जिसमें क्विंटलों वजन की मात्रा में जब्त पॉलिथीन को लोड कर कार्यालय लाया गया। कार्यवाही से दुकानदारों व रेहड़ी संचालकों में पॉलिथीन छुपाने को लेकर हड़कंप मच गया। दूसरी तरफ रेहड़ी संचालक कर्मचारियों को चकमा देकर पॉलिथीन में सब्जी बेचते नजर भी आए। दिन की कार्य योजना के अंदर पॉलिथीन को बैन करने के लिए कहा गया है, उसी के अनुरूप नगर पालिका बैरोड द्वारा ये कार्रवाई की गई। हमने कई प्रतिष्ठानों से पॉलिथीन जब्त की कार्रवाई की है, लगभग 1 क्विंटल के आसपास कर लिए। अब ये अभियान चलेगा, नियमित रूप से चलाएंगे। अभी चालान कितनों किया है? चालान अभी 2 लोगों के चालान किया है। क्या जहाँ जहाँ पॉलिथीन सब जगह मिल रही है, सब जगह चालान करते आ रहे हैं? चालान लगभग कोशिश यही है, जो बड़े प्रतिष्ठान है उनका चालान पहले किया जा रहा है। बहरोड के वार्ड नंबर 18 में नगरपालिका कार्यालय के समीप स्थित घरों में पिछले 3 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। समस्या के बारे में जल विभाग को अवगत भी करवाया जा चुका है, उसके बाद भी विभाग के कर्मचारी समस्या का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए लोग नलों का गंदा पानी प्रयोग करने को मजबूर हैं, जिससे कि अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी की समस्या 1 सप्ताह से चली आ रही है। पहले 3 दिन तक पानी सप्लाई नहीं हो रहा था, जब किराए के टैंकरों से पानी मंगवाकर काम चलाया गया। उसके बाद पाइपलाइन सही करने के बाद 3-4 दिनों से नलों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जो पानी किसी भी तरह प्रयोग करने लायक नहीं है, क्योंकि नलों में नाले का गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगा है और कुछ लोग बीमार भी हो चुके हैं। जलदाय विभाग को कई बार अवगत कराया जा चुका, लेकिन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी की लापरवाही से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने आज वार्ड नंबर 9 में हो रही पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग के अधिकारियों को तुरंत पेयजल सप्लाई सुचारू करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अनेक कार्यकर्ता व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।